अस्सलाम वालेकुम। अभी पूरा का पूरा फोकस हम ड्रीम ट्रिप पे दे रहे हैं। बिरयानी। मैं दुनिया की सारी कंट्री घूमना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल माय स्किन्स। अभी चाचू गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। कितना बज रहा है? 3 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। मैं घर पे आया हूँ खाना खाने के लिए। आज संडे स्पेशल बना है। संडे स्पेशल क्या सूफी? बिरयानी। इधर मेरी बिरयानी है, उधर सूफी की बिरयानी, और मम्मी जी यहाँ पर है। मम्मी जी थैंक यू। कुछ बोलना चाहते हो? क्या है कि मम्मी को ना ऐसे बीच बीच में ब्लॉग में लेना पड़ता है, बिकॉज हमारे जो ब्लॉग है हमारे सारे खानदान वाले देखते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं अरे मम्मी जी कहाँ पर हैं। मेरे तरफ से सबको। हाँ, तो जो जो कहाँ से देखते हैं? कापू से, जांगेर देखते हैं, जांगेर खालू है ना, कर्नाटका वेस्ट बंगाल दोनों तरफ के लोग देखते हैं हमें। नहीं मिलता तो फिर बोलते हैं क्यों बहुत दिन हो गया नहीं आया। अभी आ गए। सबको मेरे तरफ से शूट करो मुझे बस वैसे ही। ठीक है, दिख रहा हूँ मैं? हाँ। मम्मी को नहीं कटाना। पहली बार मम्मी के हाथ में कैमरा है, मम्मी शूट कर रहे हैं। बारिश इतनी है कि घर पे खाना खाने के लिए भी आते हैं तो रेनकोट पहन के आना पड़ता है, जाते टाइम भी रेनकोट पहन के जाना पड़ता है। अच्छा है, आई लव बरसात का मौसम। बारिश हो रही है? नहीं। चलो सूफी, बाय बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मम्मी। डैडी जा रहा हूँ। चलो क्या बेड़ू, क्या चल रहा है? तू हमारे बैग में बैठता है? क्या हो गया, खाना नहीं मिला? हेलो, नमस्ते, वालेकुम, वाले मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज संडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट लिया जाए, लेकिन रेस्ट लेते लेते ऐसा नहीं होगा कि व्लॉग नहीं आएगा, व्लॉग आएगा। रेस्ट लेते लेते अगर व्लॉग करना हो तो किस तरह के व्लॉग बन सकते हैं पता है? एक तो Q&A व्लॉग्स, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं थोड़ा रिव्यू बनाऊँ, या कोई रिएक्शन। मतलब आप लोग बताओ कि घर पे रेस्ट लेते लेते मैं किस तरह के व्लॉग बना सकता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे रेस्ट लेना हो तो मैं इस तरह के व्लॉग बनाऊँ। बाकी आज का व्लॉग क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सब कुछ सोच समझने के बाद में डिसीजन ये लिया गया है कि हम Q&A वीडियो करते हैं, लेकिन ये Q&A वीडियो जो है थोड़ा अलग होने वाला है, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे पहले आप लोगों को कहा था कि कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप लिख के दे दीजिएगा, लेकिन फिर बाद में ख्याल आया है कि क्यों ना आप लोग एक वीडियो बना के भेजे, ताकि आप लोग भी उस व्लॉग का हिस्सा रहें। व्हाट एन आइडिया। ऐसा और भी लोग कर चुके हैं, लेकिन ये हम पहली बार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्साइटिंग की बात है। लेकिन वो क्वेश्चन जो पहले लोगों ने लिख के भेजा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सवाल है ये हमें सारी नौटंकी को साइड में रखते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है भाई, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने पैसे से अपना ड्रीम फुलफिल किया था तब आपने कैसा फील किया था? ऐसे छोटे मोटे जो ड्रीम है वो तो हमने काफी टाइम पूरा किया है, बट जो सबसे बड़ा ख्वाब था हमारा वो था मुंबई में खुद का घर लेना, बिकॉज ये मॉम डैड का एक बहुत बड़ा सपना था। मॉम डैड यहाँ पर 20-25 साल से है मुंबई में, और काफी टाइम से वो सोच रहे थे घर लेना। जब भी हम कोई नए घर में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, चाहे वो भाड़े का घर हो या खुद का घर हो, तो हम लोग ना कुरान खानी करवाते हैं। हमारे नए घर की कुरान खानी चल रही थी और मॉम डैड की आंखों में आंसू थे, और वो एक फीलिंग थी जो एकदम अलग थी, मुझे वो याद है। उसके अलावा R1 जब मैंने लिया था उस टाइम भी खुशी थी, लेकिन वो जो खुशी थी उससे बढ़कर खुशी घर की थी, क्योंकि घर एक इमोशन जुड़ा हुआ था। ये तो सिर्फ मतलब शोबाजी करना था, एक यंग लड़का 21 साल का कॉलेज में दोस्तों को दिखाने के लिए, मतलब वो एक बचकाना ड्रीम मैं कह सकता हूँ, लेकिन घर वाला ड्रीम जो था वो इमोशनल था। Hi Salim, big fan. What are three things you wish to do before you retire? सबसे पहली चीज, मैं दुनिया की सारी कंट्री घूमना चाहता हूँ। पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करूंगा। खुदा ने जो इस दुनिया को बनाया है वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। दूसरा, कुछ ऐसा मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी या इस दुनिया के लिए कुछ करके जाओ, बिकॉज जितने भी मैं पैसे कमाऊंगा मैं अपने साथ ऊपर तो नहीं लेके जा सकता हूँ, लेकिन इंसानियत के लिए कुछ ऐसा मैं करके जाना चाहता हूँ कि मेरे ना रहने पर भी लोग मुझे याद करें, मेरी बातें करें। अमर बनना चाहता हूँ मैं मरने के बाद भी। तीसरा, कुछ मेरे लिस्ट हैं ख्वाबों की, कुछ ऐसे शौक हैं, वो सारे शौक मैं पूरा करना चाहता हूँ बिफोर रिटायरमेंट। फॉर्च्यूनर को मॉडिफाई कब करोगे? ये जो हमारा ड्रीम ट्रिप होने वाला है उसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के प्लान है, ना सिर्फ फॉर्च्यूनर में, जितनी भी हमारे पास मशीनें होंगी। पहले मैं काफी रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए देखता था कि नहीं भाई, साइलेंस से चेंज नहीं करना है, इसका अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ही होना चाहिए, तो ये सब चीजों का बहुत मैं ध्यान रख रहा था। लेकिन सीधा बच्चा बन के कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर मुझे कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है उसके लिए थोड़ा सा लॉ ब्रेक करना पड़ेगा, तो अपन करने का सोच रहे हैं।
पहले ये ड्रीम ट्रिप जो है, जो ख्वाब है मेरा ये करने का, इसको पहले अच्छे से हम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे मॉडिफाई। मेरा ना काफी टाइम से प्लान बन रहा है वेस्ट बंगाल आने का, ऑल्दो मैं वहीं से ही हूँ, पैदा भी मैं वहीं पर ही हुआ हूँ, पता नहीं क्यों प्लान बन नहीं पाया, काफी दूर पड़ता है। लेकिन काफी दूर बोलना एक रीजन है, जो हमारा ड्रीम ट्रिप है ना उसमें वेस्ट बंगाल भी है। आसाम की ट्रिप के बाद मैंने सोचा था कि हम वेस्ट बंगाल का भी ट्रिप मारेंगे। ऐसा है कि हमारा जो ड्रीम ट्रिप है उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे मुंबई में रहना जरूरी है। अभी मेरे ख्याल से जो ट्रिप होती है ना वो वैसे बड़ी बड़ी ट्रिप नहीं होगी, छोटी मोटी ही होगी, क्योंकि काम बहुत है ड्रीम ट्रिप को लेके। वेस्ट बंगाल आने के लिए काफी लोगों ने कहा है आप कोलकाता क्यों नहीं आते, आप क्या वेस्ट बंगाल कोलकाता एक बार आ सकते हैं। वो कौन सी ट्रिप है जो आप नहीं भूल सकते, मोस्ट मेमोरेबल वन? जब मैंने नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप किया था तो एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर एक जगह है सेला पास, वहां जो हम फंसे थे, जो जान बचा के हम वहां से निकले थे, वो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। वो ड्रीम ट्रिप होने वाला वो कब से होने वाला और इतना लेट उसमें क्यों हो रहा है? डेढ़ दो साल से आपके चैनल पे बात होते जा रही है कि ड्रीम ट्रिप स्टार्ट होने को है। लास्ट ईयर हमने ये प्लान किया था, ये ऐसा प्लान है जिसमें आधा साल लगने वाला है, ठीक है? तो हमें मौसम का ध्यान रख के ही प्लान करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब मौका हमें मिला था निकलने का, उस टाइम पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी और कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने फिर उसको आगे नहीं लेके गए। इस टाइम इस बार हमें लगता है कि हम जा सकते हैं, अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगस्त में हमने प्लान किया था, एक पर्टिकुलर कोई डेट मैं आपको नहीं दे सकता हूं, बट इसमें काफी सारे स्टेट है जो हम कवर करेंगे, 20 स्टेट हैं। प्लान तो ये भी है कि 20 सिटीज में हम मीटअप रखेंगे, देखना पड़ेगा कि हालात क्या है, अभी हम उसी की तैयारी में है। तो अगस्त तक सब रिवील मैं कर दूंगा, मतलब ये जो ट्रिप है ये इसमें सस्पेंस नहीं होगा, ये फुल रिवील के साथ ये होगा और सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। और ड्रीम ट्रिप को लेके और मार देगा, ड्रीम ट्रिप को लेके और भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो थैंक यू फॉर आस्किंग, बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं रेडियो में गया हुआ था, वहां पर मैंने पूरा ड्रीम ट्रिप रिवील किया है, अगर आपने उसको सुना होगा तो आपको पता होगा। और एक इंटरव्यू मैंने पॉडकास्ट किया था, वहां पर भी मैंने ड्रीम ट्रिप का सारा रिवील किया है। नमस्ते भाई, आपने गेमिंग पीसी तो खरीद लिया, बट आप गेमिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह या फिर कुछ? देखो, मैंने गेमिंग पीसी लिया है गेम खेलने के लिए नहीं, मैं ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, मैंने एज अ क्रिएटर पर्पस के लिए इसको लिया था। मैंने ये सोचा था कि हम इस पे लाइव जाएंगे, आप लोगों को लाइव लूंगा, इसका अलग पर्पस था। ये हो नहीं पा रहा इसीलिए क्योंकि ना मुझे पहले एक चीज अपनी सेटल करनी है, जो मेरा मेन काम है व्लॉगिंग करना। आप लोग ने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक चीज को पहले सही करना चाहता हूँ, सही सिस्टमैटिक वे में एक फ्लो में चलता रहे, उसके बाद दूसरी चीजें मैं करना चाहता हूँ। पहले तो ये भी प्लान मेरा मर्चेंडाइज रिलीज करने का, वो भी मैंने स्टॉप किया, क्योंकि अभी पूरा का पूरा फोकस हम ड्रीम ट्रिप पे दे रहे हैं। और कंटेंट ये ट्रिप के बाद में ना आप मेरे चैनल में देखोगे कि कंटेंट में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और आपको पूरा का पूरा ये पता चल जाएगा कि मैं किस तरह के कंटेंट बनाना चाहता हूं और क्या आगे के प्लान्स हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो धीरे 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 वो होगा, आई नो बहुत ज्यादा धीरे हो रहा है, बिकॉज मैं कोई भी जब काम करता हूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें घुस के करता हूं, मेरे अंदर एक पुरानी बीमारी है परफेक्शन वाली, वो निकल ही नहीं रही है। जब तक वो काम अच्छे से ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होता, और बहुत बार परफेक्शन के चक्कर में ऐसा होता है कि वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अपने पे मैं काम कर रहा हूं, काफी कुछ सीख भी रहा हूं मैं, तो सॉल्व हो जाएगी, जुड़े रहे। हाउ टू एडिटिंग पार्ट 3 कब आएगा? मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि अब मैंने एडिटिंग करना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ फट एडिटिंग करता हूं, कोई उसमें साइंस नहीं है। एडिटिंग पार्ट 3 अब कभी नहीं आएगा। हाउ टू एडिट द व्लॉग, उसी में मैंने कह दिया था कि एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो एडिटिंग पे दिमाग मत लगाओ यार, अगर फिल्म मेकिंग सीखना है तो कोर्स कर लो, व्लॉग करने के लिए एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्रिस्प करना है और ये सब चीजें बस। न्यू हाउस का कोई प्लान है? ऑफ कोर्स है, अभी मैं बड़ा घर लेना चाहता हूं, 3 BHK, एक रूम में मॉम डैड, एक में समीर उसकी फैमिली, एक मैं और मेरी फैमिली, वक्त है उसके लिए। हाँ, प्लान तो है, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं, ब्रांड्स तो आ ही रहे हैं, ब्रांड्स तो कर ही रहे हैं। क्या आप कभी इरफान जुनेजा के साथ कोलैब करके कोई वीडियो या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं? हम लोगों ने काफी टाइम प्लान किया था और हर टाइम कुछ ना कुछ रीजन के वजह से हमारे वो प्लान कैंसिल हो जाते हैं। टर्की का प्लान भी, दुबई का प्लान, बहुत, अब क्या ही कहूँ, हम प्लान कर रहे हैं लेकिन हालात जो है वो साथ नहीं दे पा रहे। आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करते हो, कैसे इतना सब अर्न कर लेते हो? यूट्यूब के अलावा भी कोई साइड बिजनेस है तो सर बताना प्लीज मेरे को।
अस्सलाम वालेकुम। देखो जब मैंने YouTube शुरू किया था तब तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर सेटल था हमारे पास की बिजनेस हमारे पैसे आ रहे। लेकिन मेरा जो अभी पहला सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब है, दूसरा मेरे बिजनेस से आता है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से पैसे आते हैं, और भी एक दो जगह है जहां से आते हैं। तो भाई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अलग अलग जगह से है। मुझे बस ये जानना है कि आपने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जिसको आप कभी सोचे नहीं थे और करने के बाद आपको लगा कि अरे ये तो बहुत क्रेजी हो गया। कुछ ऐसा काम, ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि क्रेजी हो गया। मुझे लगता है कि यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद, देखो मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं तो एक्टर था, यहाँ से मैं सीख के वापस एक्टिंग में जाना। जब मैं यूट्यूब करने के लिए आया तो फिर जब पैसे आए तो वहाँ लगा तो था भाई ये तो क्रेजी हो गया। अभी ध्यान में नहीं आ रहा ऐसी कोई कौन सी चीज, जो भी चीज मेरे लाइफ में हो रही है ना वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं सोचा था इसीलिए हो रहा है। जैसे फोर्ब्स में नाम आया, कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि वो आएगा। सब चीजें हो रही है कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसे सोचा था इसीलिए। साउंड एपिडेमिक का है वो एज अ बिगिनर को लेना चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को 3 साल हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल मेरा इतना अच्छा खासा नहीं है, बट क्वेश्चन आया अच्छा खासा, तो बता दो मेरे को। बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा जिस दिन आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला है उस दिन से ही एपिडेमिक साउंड ले लो। पहले ऐसा होता था कि हम लोग कोई यूज करते थे जो कहते थे कि रॉयल्टी फ्री है, लेकिन बाद में वही क्रिएटर वो गाने को बेच के हमें कॉपीराइट क्लेम मारते थे, और हमारी मेहनत जो हम इतना खून पसीना एक करके वीडियो बनाते थे फिर वो रेवेन्यू वो लोग ले लेते थे। इट्स बेटर कि हम लोग ऐसा इन्वेस्ट करके कोई ऐसी चीज रख ही लें ताकि हम बोल सके कि भाई कोई कॉपीराइट नहीं मार सकता। आजकल हम नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार कितने सब्सक्रिप्शन तो वैसे भी लेके रखते हैं, तो ये आपके काम के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट या फिर समझ लो फीस आपके क्रिएशन का, तो ले लो भाई फायदेमंद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर लेना है तो मेरे लिंक से होके जाना, उसका ऐसा कुछ कमीशन मुझे मिलता है। My question is very simple. When you, Satya and Jack will be traveling again together? हम तो चाहते हैं कि साथ में हम ट्रैवल करें, प्लान भी करते हैं, लेकिन सोचो ना एक ही जगह पे 3 क्रिएटर अगर व्लॉग करेंगे तो तीनों की स्टोरी सेम नहीं होगी। आप लोग चाहते हैं हमें देखना, हम भी चाहते हैं साथ में वीडियो बनाना, बट हम ऐसे 1-2 दिन के लिए मिलके वीडियो बना सकते हैं, बट ऐसे 5-5, 10-10 दिन का ट्रिप साथ में नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टेंट के लिए काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑल्दो हम लोग थोड़ा समझदार हैं, हम कह देते कि भाई ये मैं शूट करूंगा वो तू शूट करना, लेकिन फिर भी स्टोरी तो सेम ही होगी ना, इसीलिए साथ में ट्रैवल करने वाला जो प्लान है वो ज्यादातर नहीं होगा, कभी कभार देखने मिल जाएगा। हेलो सलीम भाई, मेरा नाम रोहित है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। जय महाराष्ट्र। अभी लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं अबाउट आईफोन का कैमरा और सोनी का कैमरा, तो अगर फ्यूचर में कभी किसी ब्रांड पे शिफ्ट करना चाहोगे तो वो कौन से ब्रांड होंगे, ये मैं बहुत जानने के लिए बेकरार हूँ क्योंकि आपके गैजेट्स एक नंबर रहते हैं हमेशा। गैजेट्स तो मेरे एक नंबर ही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि साला खत्म ही नहीं हो रहा है, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, का है पता नहीं। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो कैनन का देख रहा हूँ, लेकिन कैनन में भी ना जो चीज सोनी में मिलता है वो वहां पर नहीं है। कोई शिफ्ट करने की नहीं सोच रहा हूँ कि सडनली मैं सोनी से कैनन में शिफ्ट। अभी रिसेंटली मैंने एक खरीदा है लेंस, यार महंगा लेंस है, करीब 2 लाख रुपए का लेंस है, बॉडी भी माइक भी, मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद में ऐसा मन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ज्यादा इरिटेट हो गया तो फिर अपना दिमाग खराब करके बाल नोच के करना गया, सीधा शिफ्ट हो जाओ। तो रमेश के भाई, मैंने आपके पहले पुराने व्लॉग्स देखे हैं, तो मैंने आपके उस व्लॉग में देखा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, तो क्या आपका अभी कोई ऐसा प्लान है आगे? भाई देखो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि मैं था वहां पर, और जब हम ऑडिशन देते थे और सिलेक्ट कोई और होता था तो अभी भी वहां पर ये है, मतलब भेदभाव होता है। तो कैसा था ना कि मेरा ये मानना है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो उंगली टेढ़ी कर लो। तो मैं यूट्यूब में इसीलिए आया था कि मैं यहाँ पर सीखूं, अपने टैलेंट को और इम्प्रूव करूं, फिर वापस जाऊं एक्टिंग फिल्म मेकिंग करें। लेकिन अभी मेरा जो प्लान है वो ये कि पैसे कमा लो, अच्छे खासे नाम कमा लो, और तुम खुद ही फिल्में बनाओ, तुम खुद ही अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, खुद ही सब कुछ करो, एक ना एक फीचर फिल्म तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जो थिएटर बड़ा थिएटर में रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये भी एक बात थी, रिटायरमेंट के पहले ये चीज भी मुझे करनी है। और भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, फिलहाल ये व्लॉग यहाँ पर ही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू सो नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम, देखा गया, बूम। मतलब बच्चे बच्चे भी देखना चाहता हूँ। ओके।